हेलो एवरीवन, आप नेमत खाना में हैं और मैं हूँ नेमत। आज बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। सभी बनाते हैं लेकिन आज इसे आप मेरे तरीके से बनाएं। बेसिकली मैं यहाँ पर छेना बनाने की एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून गुनगुना पानी लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून सिंथेटिक सफ़ेद सिरका मिलाया है। ज़्यादातर लोग उबलते हुए दूध में डायरेक्ट सिरका डालकर दूध को क्रडल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से छेना हार्ड बनता है। ये तरीका सबसे ज़्यादा सही है और मैं इसी तरीके को फॉलो करती हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दूध को हमेशा चूल्हे से उतार लेना चाहिए और उसके बाद जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए चम्मच हिलाते रहना चाहिए। इस तरह से थोड़ा समय तो लगता है लेकिन तैयार रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इससे एक तो आपको छेना भी ज़्यादा मिलेगा और दूसरे छेना बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। जिन लोगों को छेना बनाना बहुत मुश्किल लगता है वो अक्सर इसे मार्केट से ख़रीद कर ले आते हैं, और आप जानते ही होंगे पनीर और छेने में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है, तो इसे बनाना आना ही चाहिए। और हमेशा अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी रेसिपी तैयार करने के लिए छेना घर में ही निकालना चाहिए। तो मैं समझती हूँ एक बार देख लेने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि छेना कितनी आसानी से पानी से सेपरेट हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश दूध से ही छेना बनाना चाहिए। बहुत दिनों का रखा हुआ पैकेट से या बार बार लगातार उबाले हुए दूध से या रबड़ी या मलाई खींचे हुए दूध से छेना नहीं बनाना चाहिए। इससे बने हुए छेना क्यूब्स के दो ही कंडीशन होते हैं, या तो बहुत वो हार्ड और रबड़ी सा होता है या तो वो बिल्कुल भुरभुरा और ग्रेनी सा हो जाता है, क्योंकि पुराने दूध की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। अगर सिरका नहीं है तो दही से, लेमन से या साइट्रिक एसिड, जिसे टैटरी भी कहते हैं, उससे भी इसे कर्डल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब 2 टेबल स्पून हमने फ्रोज़न मटर लिया है और साथ ही एक मसाला हमने तैयार किया है, जिसमें 1 प्याज, 2-3 क्वाइन साइज अदरक और 2-3 लहसुन इस्तेमाल किया है। मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई को मैंने गर्म किया है और अब यहाँ पर 60 ml सरसों का तेल मैंने डाला है। अब जैसे हर कहानी की एक शुरुआत होती है, यहाँ पर हम पनीर बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 1 लौंग, 1 इलायची और दालचीनी के 1 टुकड़े के साथ मैंने तेल को इन्फ्यूज़ किया है। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर करी पत्ता और मस्टर्ड सीड डाल सकते हैं या मेथी भी डाल सकते हैं। अब छौंक अच्छी तरह से पक चुका है तो यहाँ पर आमलेट कट प्याज डालते हैं। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज प्याज लिया है। प्याज अब गुलाबी हो चला है तो यहाँ पर हम लहसुन अदरक और प्याज की पेस्ट जो हमने तैयार किया है वो डाल देना है। अब लहसुन अदरक और प्याज कच्चा है तो इसे हमें तेल में अच्छी तरह से भून लेना होगा, यहाँ तक कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाला सोंधा हो जाए। अब जब तक मसाला ब्राउन हो रहा है, हमने यहाँ पर पाउडर मसाला निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक है, या नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले लें। ये मसाला निकाल कर रेडी रखें। 1 मीडियम साइज़ टमाटर को चॉप कर लें और अगर पसंद हो तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी रेडी। जिस पनीर को हमने रेडी किया था उसके साथ कुछ और चीज़ें भी मैंने जोड़ ली हैं, जैसे कि गाजर रख लिया है और कुछ प्याज के टुकड़े हैं। 1 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी की ज़रूरत होगी तो उसे भी तैयार रखें। यहाँ पर हमने 1/2 kg दूध का पनीर बनाया है और मैंने स्किम्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क इस्तेमाल किया है। आप फुल फैट क्रीम वाला दूध इस्तेमाल करेंगे तो आपको
ज़्यादा छेना उसमें मिलेगा और ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगा। अब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुना जा चुका है तो इसमें टमाटर के क्यूब डाल दें और एक दो मिनट तक इसे भी मसाले के साथ भून लें ताकि ये गल जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसकी थोड़ी लुगदी बन जाए या पेस्ट जैसा हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पका कर बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लिया है और यहाँ तक पहुँचने में इसे 7 से 8 मिनट का टाइम लगा है और मटर पनीर बनाने में बस यही चीज़ें हमारी कच्ची थी जिसे भूनने की ज़रूरत थी। तो ये पाउडर मसाला, अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को तेज़ किया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। लगभग 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद हमें ऐसा टेक्सचर मिला है और मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। आप देख सकते हैं कि अब तेल सेपरेट हो रहा है मसालों से। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर टोमेटो प्यूरी। फ्रेश टमाटर हमें टेस्ट देता है और टोमेटो प्यूरी कलर देता है, साथ ही अच्छी सी बाइंडिंग देता है। इससे मसाला फटाफटा नहीं लगेगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ रहेगा। 1 मिनट इसे भी भून लेते हैं। ये भी अच्छी तरह से भून गया तो अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने चाय के कप से 1 कप पानी लिया है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा पानी, हमने आधा पानी डाल दिया है। देखिए ये कितना अच्छा सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा पानी और डालते हैं और इसे 1 मिनट पक जाने देते हैं। चलिए तो ये 1 मिनट गुजर गया। अब हम यहाँ पर अपनी सारी सब्जियों को और पनीर के टुकड़े को डालते हैं। मैनेज करने के लिए फ्लेम यहाँ पर धीमा कर दें। इसे थोड़ा सा उलट पलट कर लें और इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। छेना को ज़्यादा पकाने से छेना हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ये तो खुद ही पका हुआ है और हमारा मटर भी फ्रोज़न है। आप अगर फ्रेश मटर यूज़ करें तो उसे उबाल कर डालें। हमने जो 1 कप पानी लिया था उसमें अभी थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये पानी भी इसमें गया और अब इसे ढककर धीमी आंच पर 2 मिनट में हम दम पर रखेंगे और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो है ना ये कितना आसान। और दम पर डालने से पहले आप इसमें 2 मिर्ची डाल दें ताकि ये थोड़ा सा भाप में पक जाए और जिन्हें मिर्ची पसंद हो वो उसे उठाकर खा सकें। यहीं पर आप नमक भी टेस्ट कर लें और पानी भी एडजस्ट कर लें। हो सकता है किसी को ज़्यादा रनी या ज़्यादा पतली करी चाहिए चपाती के साथ खाने के लिए, तो वो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। चलिए तो 1 मिनट गुजर चुका है और आप देख सकते हैं ये पनीर बिल्कुल रेडी है। चपाती के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ इसे सर्व करें। जिन्हें नॉनवेज पसंद नहीं है उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इसे बनाएं, बहुत कम वक्त में बहुत आसानी के साथ बन जाता है। और अब यहीं पर आप इसे थोड़ी सी धनिया की पत्ती के साथ सजा सकते हैं और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को विजिट करें। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।